हनुमान मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मंदिर पहुंचे हैं दर्शन के लिए, जैसे कि उन्होंने वोटिंग से पहले भगवान हनुमान के दर्शन किए थे और अब जीत के बाद भगवान के दर्शन करने पहुंचे हनुमान मंदिर। तो भगवान हनुमान को लेकर भी काफी राजनीति जो है वो देखने को मिली थी और इस जीत के बाद शायद यही वजह है कि उन तमाम सवालों, उन तमाम चुटकियों पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल भी ये कहते नजर आए कि भगवान हनुमान की कृपा है कि आज दिल्ली की जनता पर उनकी कृपा इतनी बरसी कि वो जीत में तब्दील हुई और अब हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जीत जिस तरह से यहां पर आम आदमी पार्टी ने हासिल की है, प्रचंड बहुमत, और एक बार फिर से मफलर मैन के नाम से जाने वाले अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल उन्होंने की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज 9 टीवी के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल जीत के बाद बजरंग बली की चरण में। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर पहुंच चुके हैं, दर्शन पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो जो प्रार्थना वोटिंग के दौरान वो करके गए थे, शायद वही प्रार्थना का फल उनको आज मिल गया है और उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए बजरंग बली की शरण में इस वक्त अरविंद केजरीवाल। तो बंपर जीत के बाद मंदिर पहुंचे हैं बजरंग बली की शरण में, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बंपर जीत के बाद केजरीवाल बजरंग बली की शरण में हनुमान मंदिर, वहां लोग जो मौजूद है जयकारा यहां पर लगाते हुए, साथ ही जो जीत यहां पर हासिल की है उसका उत्साह भी इन तस्वीरों में नजर आ सकता है। तो एक तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी उनके साथ मौजूद, दर्शन यहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद मंदिर की पंडित की तरफ से उनको दिया गया। तो जीत के बाद बजरंग बली के पास पहुंचना नहीं भूले और उसी के तहत वो यहाँ पर पहुंचे हैं, शुक्रिया अदा उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं जो प्रार्थना वो करके गए थे उस प्रार्थना का फल आखिरकार उनको मिल ही गया है और अब शुक्रिया अदा करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं जहाँ पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। तो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया है और हनुमान मंदिर के दर्शन यहाँ पर उन्होंने किए। बजरंग बली की जय। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बजरंग बली की जय। तो चेहरे पर खुशी साफ तौर पर, हालांकि इस दौरान अरविंद केजरीवाल कुछ कहते नजर नहीं आए, लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां जरूर बजरंग बली के जयकारे लगाते और सुनते हुए सुनाई दिए।